हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सभी? स्वागत करती हूँ मैं डिम्पी अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी होम में। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ये आज का मेरा ब्लॉग है और एकदम मॉर्निंग का टाइम है और मैं आई हूँ यहाँ छत पे और मैं यहाँ आपके कर रही हूँ सफाई, क्योंकि हमें डालना है गेहूँ और गेहूँ जो है हमारा धुलना है अभी और गेहूँ को डालना है छत पे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि बिना साफ़ सफाई किए गेहूँ डालना पॉसिबल ही नहीं था। देखिए कितनी ज़्यादा धूल गर्द गंदा है। वैसे तो छत पे कोई आता नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा गाड़ी मोटर वगैरह जाती है बाहर कि उस इतना ज़्यादा धूल मिट्टी और फर्श बना भी नहीं है, तो ज़्यादा इसमें बालू भी आ गए थे। तो फिर देखिए इस साइड भी कितनी गंदगी है, लेकिन वो जो छत है वो कुछ साफ़ है। तो ये जो मेरा रूम है उसी का छत है, तो मैं वहीं पे साफ़ सफाई कर दूंगी और यहीं पे गेहूँ डालूंगी। और ये काम सुबह सुबह हो जाना ही तो सही था। देखिए अभी एकदम सुबह ही मॉर्निंग का ही टाइम है और सुबह अगर गेहूँ डाला जाता है तो अच्छे से शाम तक लगभग कुछ सूख जाएगा। तो मैं यहाँ पे गेहूँ डाल रही हूँ, भिगो रही हूँ। कुछ यहाँ पे गेहूँ पहले से ही भिगो के रख दी है मम्मी, और मम्मी बोली हैं कि नहीं आज पूरा गेहूँ इतना जो है धुल के रख लेना है, तो उनका कहना मानना ही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही। तो देखिए सुबह के टाइम है और ठंडी भी है। ये जो मैं पानी ले रही हूँ ये टंकी का पानी है और पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, और ठंडी के मौसम में इतना ये काम करना बहुत ही थोड़ा कठिनदायक है, लेकिन अगर सासू माँ ने कह दिया है तो करना तो पड़ेगा ही। और अगर नहीं करूँगी तो फिर खाने के लिए चाहिए गेहूँ आटा, तो ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से आ पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लगभग 2 से 3 पानी गेहूँ धुलूंगी, क्योंकि ये जो गेहूँ है ना हमारा घुन गया था, बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े लग गए थे। तो फिर इसको छत पे डाला गया था और छत पे डालने के बाद फिर यहीं पे नीचे ला कर रखा गया था। तो ये जो है सेकेंड वाला छत है तो यहीं पे गेहूँ पूरा धुला जा रहा, फिर नीचे जाना फिर लेकर आना बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगी। तो हम मम्मी से बोले कि यहीं पर धुल देंगे, ऊपर ही पानी की व्यवस्था है तो धुला जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं गेहूँ पूरा धुलूँगी 2 से 3 पानी। और ऊपर जो गेहूँ था तो बहुत ज़्यादा थोड़े ख़राब गेहूँ निकल गए थे, तो उसको सही करना था हमें। तो हम कुछ लेने चले गए थे बाद बाहर की ला के उसको छान लेंगे, तो मम्मी बोली कि तुम पूरा ऐसे ही छान दो और मैं आऊँगी तो उसको मतलब सही कर दूँगी। और छत पे जब डलाएगा और जब पिसाने के लिए जाएगा तो ये खुद ही खुद निकल जाएगा, जब इसको पछोड़ा जाएगा तो ये खुद अपने आप बाहर आ जाएंगे जो गेहूँ मतलब घुन गए ख़राब हो गए। तो मम्मी यहाँ पे आ गई हैं तो बोलती हैं कि चलो ठीक है तुम धुलो जल्दी जल्दी, मैं पानी निकाल के दे देती हूँ। और ये जो टंकी है का पानी इतना ठंडा पानी था कि पूछो मत, हाथ डालते लग रहा था कि अभी हाथ गल जाएगा एकदम। तो चलिए मिलते हैं आपसे गेहूँ धुलने के बाद। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे गेहूँ धुला के हो गए हैं तैयार और मैं इसे जाती हूँ छत पे डालने के लिए। तो सबसे पहले मैं छत पे तो झाड़ू लगा चुकी हूँ और तो मैं यहाँ पे ये सब बिछा रही हूँ, चादर वगैरह कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे अगर कपड़े पर डालेंगे तो बहुत आसानी से उठ भी जाएगा, और छत उतना साफ़ नहीं था कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर डालूँ गेहूँ को। तो सबसे पहले मैं सारे गेहूँ को छत पर ला दी हूँ यहाँ पर देखिए, और मैं धीरे धीरे करके पूरे गेहूँ को फैला दूँगी। और ये मतलब गेहूँ सूखने में टाइम तो लगेगा क्योंकि ठंडी का मौसम है और हवा भी चल रहा है इतना तेज़ तेज़, देखिए कितना तेज़ हवा चल रहा है। तो इतना तेज़ तेज़ हवा भी चल रहा था और गेहूँ मतलब सूखा, लेकिन 2 दिन 3 दिन टाइम लग जाता है सूखने में, क्योंकि ठंडी का जो गेहूँ होती है तो जल्दी सूख ही नहीं पाती है। तो यहाँ पर सारे मैं गेहूँ को अभी पसार लेती हूँ, फैला कर मैं फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो, कैसे हो आप सभी? स्वागत करती हूँ मैं डिम्पी अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी में। सो फ्रेंड, मैं गेहूँ पूरा डाल चुकी हूँ, अभी हूँ छत पे ही, थोड़ी सी धूप ले रही थी। और ये देखिए बाबू खेल रहा है और देखिए धूप धूप तो हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगा कभी धूप कभी छाव। देखिए मेरी गेहूँ सूख पाती है या नहीं, देखिए मौसम कैसा है, थोड़ी थोड़ी मौसम ख़राब हो गई है। तो अभी बज रहे हैं घड़ी के 12 बज रहे हैं और देखते हैं कि अभी और क्या काम करना है और कपड़े वगैरह धुलना है, तो जाती हूँ मैं, धुलती हूँ कपड़े वगैरह भी, धुलनी थी हमको। तो
तो चलिए मिलते हैं अब थोड़ी देर के बाद, जब कपड़े वगैरह धुल लूंगी, सारा काम मैं कर लूंगी, तब तो मैं मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी भूंज रही हैं, ये क्या है? वो सूजी, और बनाना है हम लोग को गुजिया। तो चलिए गुजिया बनाते हुए मिलते हैं। हेलो सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं घड़ी के। तो मैं कपड़ा वगैरह थोड़ा बहुत जो था हाथ से धुलने वाला धुल रही थी, और मशीन में जो कपड़े डाली थी वो मतलब नहीं धुला पाया। पता नहीं क्या फॉल्ट है, लाइट ही कब से नहीं है। लगभग 2 घंटे से लाइट है, 3 घंटे से गायब है। और अभी आई हूँ छत पे, क्योंकि गेहूं जो डाली थी तो एक बार मम्मी बोली थी कि हाँ गेहूं को चला देना, तो वहीं नहीं आई हूँ चलाने के लिए। एक दो बार गेहूं को अगर चला देती हूँ तो अच्छे से सूख जाती है। तो चलिए गेहूं को चला कर आपसे मिलती हूँ। आ गई हूँ यहाँ पे गेहूं चलाने के लिए। तो देखिए ये अच्छी खासी धूप अभी फिलहाल तो हो है, लेकिन ऐसा लग रहा था सुबह जैसे बारिश हो जाएगी, तभी मैं गेहूं को चला लेती हूँ। और बनाना है गुजिया जैसा कि आपको हमने बताया। तो मैं आई हूँ थोड़ी देर के लिए गेहूँ चलाने के लिए, कपड़े वगैरह जो धुला हुआ था और मैं उसको डाल दी हूँ छत पे सूखने के लिए, और बाकी सब कपड़ा रह जाता है। हेलो सो अभी आई हूँ मैं छत पर से तुरंत, और किचन वगैरह मैंने साफ कर लिया है, क्योंकि सुबह मतलब गेहूँ भी धुलना था और कपड़े वगैरह साफ करना था, तो किचन साफ करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैं अभी किचन क्लीन कर ली हूँ और मैं जा रही हूँ गुजिया बनाने। और ये देखिए, तो मम्मी सारे मसाले गुजिया के जो होते हैं तैयार कर दिए हैं, ये देखिए। और इसमें मम्मी जो बनाई है, इसमें भूजी है क्या बोलते हैं, सूजी, खोआ था आया हुआ, और सूजी इसमें डाली है एकदम बारीकी, मतलब भूज के मैं भी दिखा रही हूँ इस तरह से सूजी भूज रही थी मम्मी। और इसमें जो है नारियल डाली है, किशमिश डाली है, और इसमें पीसी हुई चीनी डाला गया है जो हमने सील बट्टे पर पीसा गया दरदरा, क्योंकि लाइट तो है नहीं तो मिक्सर यूज नहीं किया है, तो मैंने सील बट्टे पर इसको पीसा हुआ है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट हम गुजिया, क्योंकि मम्मी अभी आएंगे तो देखेंगी तो बोलेंगी तो अभी तुमने कुछ भी नहीं किया है, तो हमें गुजिया बना लेनी चाहिए। देखते हैं कितना बना पाएंगे, क्योंकि मम्मी बोली तुम बना के रख देना, मैं आऊंगी तो छानूंगी इसे। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ गुजिया। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ गुजिया बनाने के लिए। मम्मी गई थी बगल में, वो शिव चर्चा था, तो मम्मी बोल के गई थी कि नहीं तुम गुजिया बना देना, और अकेले तो हो नहीं पाता है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। और मैं कभी अकेले ये बनाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं और मेरी जेठान जब रहती थी तो दोनों लोग मिल के ही गुजिया बनाती थी। और गुजिया ऐसा चीज़ होता है कि जिसे एक या दो लोग रहें तब भी बन पाता है सही से, नहीं तो अकेले काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कितना बना पाती हूँ मम्मी के आने से पहले। और ये देखिए, सबसे पहले इसको मतलब छोटे ही लोई लेते हैं, फिर उसको ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा रहता है, अगर ज़्यादा पतला करेंगी आप तो फट जाएगा। और मैं यहाँ पे थाल में रख रही हूँ, और थाली में रखने से पहले मैं वहाँ पे आटा लगा दी हूँ, ताकि हमारा गुजिया जो रखी मैं बना के वो चिटक ना पाए। तो यहाँ पे मैं गुजिया बना रही हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाता है, और मतलब ऐसे ही मन था खाने का तो बन जा रहा है आज। तो चलिए मैं मिलती हूँ गुजिया बनाने के बाद आपसे। हेलो, तो गुजिया बनाते बनाते इतनी रात हो गई, और मैं आई हूँ अभी छत पे गेहूँ को उठाने के लिए। तो आज का मेरा वीडियो बस यही तक, और आज का ब्लॉग यहीं तक समाप्त होता है। और अभी जाना है नीचे और खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। ये देखिए शाम हो गई, कितनी दिन भर
काम करते पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।